तो ये है आज की मौसम की अपडेट कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है सुबह 5 बजे से अभी भी हो रही है लगातार। मतलब बारिश बता रही है हम आ गए हैं और दिसंबर की सर्दियां ले आए हैं। बहुत मतलब अच्छा ठंडा मौसम। अब तक हम लोग कहते हैं अरे बारिश नहीं हुई है, सर्दी नहीं पड़ेगी, लेकिन दिसंबर ने बता दिया है हम आ गए हैं। तो शाम हो गई है और हम जा रहे हैं चाय पीने। रमशा बैठी है उधर, हमजा है, वो कुछ वर्क कर रहे हैं। आज लखनऊ में बहुत बारिश हुई, बहुत ज़्यादा। थोड़ी सी ये सेटिंग चेंज कर दी है, अभी सर्दियां हैं, अब बहुत ज़्यादा फैला होने वाला है। सर्दियां हमको अच्छी भी लगती हैं और उसका फैलावा मतलब स्वेटर, लिहाफ, कम्बल, मतलब दुनिया की चीज़ें जो हैं चारों तरफ फैल जाती है। मतलब कितना रखा जाए, क्या किया जाए, समझ नहीं आता है। चलिए चाय लेते हैं और कुछ आप लोगों से बातें करते हैं। तो चाय लेकर हम बहुत सुकून के साथ बैठ गए हैं और शाम हो गई है। इससे पहले अभी हमने आपको दिखाया आज लखनऊ में बहुत ज़बरदस्त, आज क्या रात से बारिश हो रही है, पूरा दिन लगभग हुई है एक कंटिन्यूटी में। तो ठंड भी बढ़ गई है क्योंकि दिसंबर आ गया है, तो बारिश तो होती ही है तभी ठंड ज़्यादा पड़ती है। तो हमने कहा कुछ बातें करनी है, तो सुकून से एक कप चाय लेते हैं और बैठते हैं, आपके साथ बात करते हैं। तो बात क्या करनी है, कुछ टाइम पहले मेरे एक कमेंट बॉक्स में कमेंट आया था कि मैम आप क्वेश्चन आंसर करिए। तो आप सबसे ये बोलना है कि आपको मेरे बारे में या कुछ भी XYZ यूट्यूब के बारे में या कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और इंस्टा पर भी हम यही सेम क्वेश्चन करेंगे। तो देखते हैं कौन कौन क्या क्या कमेंट करता है, उसी हिसाब से हम आपको जवाब देंगे और आपके सवाल को पढ़ेंगे। तो बस यही बताना था आपको, आज बहुत दिनों बाद काजल लगाया है। तो चाय पी ली है और इशा की नमाज पढ़ ली है अल्हम्दुलिल्लाह। अब किचन में जाने का टाइम है, खाना बनाना है, क्योंकि आज जो भी कुक है जो बनाने आती हैं वो आई नहीं है, तो हमें बनाना है। बारिश हो रही है कंटिन्यू, इसलिए सही है। और भीगते भागते आना ये कोई वो नहीं है कि हाँ बीमार पड़ जाएं और ज़रूरी है जाना। तो चलिए देखते हैं क्या बनाते हैं, और उससे पहले हम कुछ फेस पे लगाएंगे। चलिए लगाते हैं और आपको बताते हैं क्या। तो जैसे कि आपको बताया कि नमाज़ पढ़ के उठे हैं, अभी फेस पे कुछ लगा नहीं है और किचन में जाना है, लेकिन उससे पहले हमें जो लगाना है वो है नमस्ते वेदा का एंटी एजिंग क्रीम। क्योंकि जो जो हम लोगों की एज बढ़ती है तो कुछ ना कुछ उसको रिपेयर करने के लिए आपको चाहिए होता है, या अच्छा खाना खाएं, और फेस पे लगाने से भी कुछ तो फ़र्क पड़ता ही है। तो आजकल हम यूज़ कर रहे हैं नमस्ते वेदा की एंटी एजिंग क्रीम, बस बहुत अच्छी है, इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है और ये देखिए बहुत बहुत अच्छी है। और जिन लोगों ने यूज़ किया है वो बताएं हमको कि कैसी है इसकी स्मेल, कैसी है। तो एक एज के बाद हम लोगों को क्या होता है कि सभी को चाहिए होती है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, लेकिन मेल में नहीं, हाँ फीमेल पे एज का ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो एंटी एजिंग क्रीम बहुत अच्छी अच्छी आ रही हैं, बहुत से लोग बहुत यूज़ करते हैं और केयर करना चाहिए हमको आपको। अच्छा दिखना ये हमारा हक है, हम हमेशा कहते हैं। और तो हमने लगा लिया एंटी एजिंग क्रीम और सबको लगानी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर सब कहते हैं कि 25 के बाद आप ये सारी क्रीम यूज़ कर सकते हैं, और अब तो हम लोग 40+ में चल रहे हैं तो बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए आप लोग भी लगाइए एंटी एजिंग क्रीम जो भी फीमेल हैं, और अच्छा दिखना ये हम लोगों का हक है, ये हम बार बार कहते हैं।
और अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल लेना चाहिए ये सारी क्रीम, ये सारे प्रोडक्ट। चलिए अब हमने तो क्रीम लगा ली है, तो ये एंटी एजिंग क्रीम हमको लगानी क्यों चाहिए और इसके क्या बेनिफिट हैं, बहुत सारी चीज़ें लोग पूछते हैं। तो इसका पहला बेनिफिट है कि एज होने के बाद फाइन लाइन और रिंकल्स जो हो जाते हैं हम लोगों के फेस पर, तो वो लाइंस रिड्यूस करता है। और इसमें है टी ट्री ऑयल और ग्रीन टी के एक्सट्रैक्ट पड़े हैं जो कि क्रीम बेस है। बस तो फ़ायदा तो होगा ही, चला जाए किचन में, क्योंकि अच्छे से तैयार व्यार होके जब हम खाना बनाते हैं तो उसका एक अपना अलग मज़ा होता है, मतलब एक फ्रेश फील आती है, वरना लेजी 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 आप और हम काम करते हैं। ऐसे ये है, हाँ एकदम फ्रेश है। अब चलते हैं अच्छे से खाना बनाते हैं, और देखिए साथ रहिए कि हम क्या बनाते हैं। तो क्रीम वगैरह लगा के किचन में आ गए हैं, एक तरफ चढ़ी है दाल और दूसरी तरफ चढ़े हैं चावल। और भी कुछ बनाना है, आज बनाना है कोफ्ता। सबकी ये फरमाइश है कि ये होता है ना, बारिश हो या ठंड हो तो ये कुछ ना कुछ नॉन वेज होना चाहिए। तो चलिए उसकी प्रिपरेशन करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। चलिए बनाते हैं, हमने कहा ये बना के रख दे, और वो भी कर रहे हैं साथ साथ काम, चॉपिंग वगैरह चल रही है। चलिए अपना काम किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना बन गया है और कोफ्ते बना लिए अरहर की दाल, और उसके साथ हमने सोचा रोटी बनाने जा रहे थे, हमने बना लिए पराठे कि कोफ्तों के साथ थोड़ा अच्छा लगेगा। हाँ हम हमजा रमशा सभी खाने जा रहे हैं, चलिए हम बिस्मिल्लाह करते हैं, मिलते हैं आपसे खाना खाकर। नेक्स्ट मॉर्निंग, तो चलिए आज की सलाम दुआ पहले करते हैं, उसके बाद ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं, क्योंकि कल पता नहीं, याद नहीं कि सलाम दुआ हुई थी कि नहीं हुई थी। अस्सलाम वालेकुम मेरी YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत खुश होंगे और आपकी दुआओं से हम भी एकदम ठीक हैं। तो कहीं जा रहे हैं इसीलिए रेडी हैं, चलिए धीरे धीरे ब्लॉग देखिए और पता करिए कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। तो एक बार फिर से हम बालकनी पे आ गए हैं और मौसम बहुत अच्छा है, मतलब हल्की सर्दी है और धूप अच्छी से निकली है। हम एक बार फिर से रेडी हो गए हैं और अभी जा रहे हैं लालबाग, वहाँ फातिहा है, नमाज पढ़ ली है, खाना खा लिया है, खाना नहीं खाया है, खाना वही है, दोपहर का उर्स होता है तो उसी में ही जा रहे हैं बस। बाकी चलिए रास्ते में तो नहीं, हाँ लालबाग पहुँच कर बताएंगे। और ये बैठे हैं हमजा रमशा, पता नहीं कहाँ में बिजी हैं, बहुत ज़्यादा बिजी हैं। क्या खा रही हो रमशा? ये देखिए इन्होंने कुछ मंगाया है, बड़ा अलग सा है, ब्राज़ील नट, ये है ब्राज़ील नट, और इसमें दिखाते हैं कैसा होता है ये, अभी दिखा रहे हमजा। हम लोगों ने खाया गरी और काजू को मिक्स कर दिया लग रहा। हाँ इतना साइज देखिए कितना बड़ा है ब्राज़ील नट, पहली बार हम फिलहाल खा रहे हैं। हमें लगा ये वो है जैक फ्रूट, क्या बोलते हैं उसको, कटहल के बीज। हाँ और मतलब साइज और शेप देखिए एकदम वैसा ही है, और ये टेस्ट में अभी जो खाया वही गरी और काजू का कुछ मिक्सचर है, पता नहीं क्या क्यों मंगवाया था रमशा। पीआर आया है, पिया, अच्छा रमशा का पीआर पे आया है, और देख लीजिए हम भी पीआर करे दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट खाने को मिलेगा, ब्राज़ील नट है, अच्छा है, टेस्टी है, डिलीशियस है। तो चलिए थोड़ा सा एक दो और खाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। आ जाओ हमजा साथ चलो बाजी। भाई बहनों का झगड़ा जरूरी है, और ये है बाजी, बाजी इधर देखिए, बाजी सलाम करिए। वालेकुम अस्सलाम, बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ है। चलिए हम आते हैं मिलते हैं, आ जाओ हमजा बेटा ये लेकर। चलिए भाई चला जाए, चाबी भूल गया था, फिर से क्या चाबी लेने, और वो रहे हमजा और बबल, देखे शैतानी देखे बबल के,
तब ये डेली का है। क्या हो गया बबल? हैं बबल, क्या क्या हुआ बबल? हैं ओहो, अच्छा खोलोगे? खोलो देखे, खोलोगी? खोलो, हाँ खोलो देखे, खोलोगी? अभी खुलेंगे। अच्छा फिर लॉक खोल रहा हमेशा, खोलो गेट। तुम इसीलिए परेशान होती हो हैं? वो निकल गई थी बाहर। हाँ हाँ बेटा, हो गया। अब ये ना पूछिए कि क्या हुआ है। बेटियां बहुत प्यारी है, हाँ। पढ़ लेती है, पढ़ती है। सीधे बैठो, सीधे 14 15। अरे वाह भाई, क्या पढ़ा रहा है भैया? पूरी पूरी अब खाती तो पढ़ा रहे हैं। हाँ मैथ्स, और वो भी अमरूद की पत्तियों से हैं। भाई देखो कितना अच्छा है। और तुम बताओ अफरीन, सही चल रहा है? मजा आया है हम। सलाम अलैकुम मम्मी, खाना खा लिया? अभी हम खाएंगे और खुद पढ़ रहे हैं। रोज नया लेसन है जी। चाची चलिए चलिए चल रहे। ये है मेरी छोटी सी बिटिया, बोलिए हेलो गाइस। टाटा करो, कुछ तो कहो। हेलो बोलो, करो बोलो, दिखा दो। हेलो गाइस, आज मैंने न्यू टी शर्ट पहनी, बता दो। ओ वाओ, भैया ने न्यू टी शर्ट पहनी है, बोलिए। नहीं बोलेगी अभी, तक टाई टाई बोल रही थी, हंस रही मुस्कुरा रही है। अब क्या हो गया? हाँ इस दादा को इधर तो कोई नहीं, खाला ही है। खाला है, खाला से बात नहीं करो। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। थैंक यू, वेलकम वेलकम वेलकम। और आदम का एक दांत चूहा ले गया, वेलकम टू आदम का चूहा लिया हुआ दांत। शाबाश शाबाश, खा लो तो खाते थे। क्या शीशा क्या देख रही हो? वालेकुम अस्सलाम। तो सर्दियाँ आ गई, जैकेट वैकेट तुम्हारी निकल गई, क्या पहने हो तुम? ओके चलो हम जा रहे हैं खाना खाए। तो तुमने खाया? चलो हम भी जा रहे हैं खाने। जी वो फिर खड़े हो गए, वो अलग गए और उन सब ने अपनी नमाज बाद में पता ये चला उनके वहाँ तराबी 36। हेलो, अरे वाह, मालिक वाह वाह वाह, दिखाइए कौन सा शो आप दिखाएंगे? पपेट अरे पहली हदीस की किताब इमाम मालिक की है। देखो ये है इफ्फत, हम लोग आए हैं। हेलो, हम लोग हम अल्हम्दुलिल्लाह, तुम बताओ?
उनसे भी पूछ लो भाई कैसी है। बहुत खराब है, बहुत बुरी है। कहते ये कोई कहने की बात है, बिल्कुल सही है। जब आप कह रही हैं तो आप हैं। मैं बिठाए हम बुरे। क्या पढ़ा रही हो इफ़त? मैं आदम को ब्रेनो ब्रेन पढ़ा रही हूं। काम करवा रही हो, गुड गर्ल। ठीक है चलो तुम पढ़ाओ। आदम जा रहे हैं, इफ़त जा रहे हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। चलो पढ़ाई करो। अच्छा वेरी गुड, कोई बात नहीं, नेक्स्ट उसमें फिर से टाइमर लगा के तब करना। अल्लाह हाफिज़। हम घर वापस आ गए और देखिए यहाँ बिग बॉस चल रहा है, मतलब जब तक ख़त्म नहीं होगा यहाँ चलता रहता है। और यहाँ है रमशा देख रही हूँ और ये हमज़ा, मतलब हम भी अब देखेंगे, अब घर आ गए हैं तो ये तो बहुत ज़रूरी हो गया है। तो कमेंट करके बताइए बिग बॉस कौन कौन देखता है, मतलब हम तो देखते ही हैं, फेवरेट सलमान खान के लिए। चलिए अभी मिलते हैं थोड़ी देर में। तो चलिए घर वापस आ गए हैं, तो मेरे व्लॉग की एंडिंग का भी टाइम आ गया है। और लालबाग जो कहते हैं, हमने बोला था कि फातिया है तो वहाँ उर्स होता है और खाने में होती है चने की दाल और खमीरी रोटी जर्दा, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वो सब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था तो और खा लिया। चचा करते हैं, छोटे वाले चचा हैं, वो करते हैं ये फातिया। तो वापस सब घर आ गए हैं तो हमने कहा थोड़ी सी बातचीत करी जाए, उसके बाद अपने व्लॉग की एंडिंग करी जाए। तो ये कल से व्लॉग कंटिन्यू है, बस पता नहीं क्या है, कुछ आजकल वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। बस दुआ करिएगा अच्छे अच्छे वीडियो बन जाएं, काफ़ी टाइम हो गया हमने ये व्लॉग नहीं डाला है। पता नहीं क्या होता है, लोग कहते हैं नज़र लग जाती है, तो शायद कुछ ऐसा ही है। तो बस माशाल्लाह बोल दिया करिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिली मेम्बर्स में और अपनी YouTube फैमिली के ग्रुप को, यानी रक्षान बेग YouTube पर जो लोग हैं उनकी फैमिली को ग्रुप ग्रो करिए। तो चलिए आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए, हमको अपनी दुआओं में याद रखिए। मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।